उसके बाद मैं मयंक को बुलाऊंगा। मैं इनको पहले एज कवि ही जानता था, म्यूजिशियन भी थे ये, पर मैं म्यूजिशियन के तौर पे मेरा तारुफ जो है बहुत बाद हुआ, पर प्राइमरीली प्रीडोमिनेंटली ये कवि हैं और मैं चाहूँगा कि ये सब ये अपनी कविताएँ पढ़े आके। मयंक प्रीडोमिनेंटली कवि, डिफॉल्ट इंजन जो है ऑन बोर्ड तो कवि है। ये कविता जो है दरअसल फेसबुक की मेरी एक सीरीज़ है, उससे वो वन लाइनर लिखते लिखते ये कब कविता बन गई। तो हाल में जब ये सब नाटक शुरू हुआ ना कि कोई भी लफंगा एक नारा ऐसा लगा कि देशभक्त जब बनने लगा भारत माता की जय, तो ये सीरीज़ का आइडिया दिमाग में आया और मैंने फेसबुक पे भारत माता की जय हैशटैग से ये वन लाइनर लिखने शुरू किए। पर जब मैंने इसे कंपाइन किया तो ये अपने आप में एक कविता बन गई। इस कविता का शीर्षक भारत माता की जय ही है क्योंकि हैशटैग वही है। ये कविता फ़र्क है उनकी भारत माता और मेरी भारत माता के बीच। मेरी भारत माता के यहाँ दूध और घी की नदियाँ कभी नहीं बहती। मेरी भारत माता के यहाँ दूध और घी की नदियाँ कभी नहीं बहती थी। मेरी भारत माता तेंदुपत्ता, महुआ और बूटियाँ बीन कर हार्ट में बेचाया करती थी। मेरी भारत माता के गले में सोने के गहने नहीं है। मेरी भारत माता की आपने वो तस्वीर देखी होगी सब लोगों ने, जिसको हम भारत माता बताते हैं। एक शेर है पीछे, एक औरत है, बहुत महंगी सी साड़ी पहने है, सोने का मुकुट है, गहने हैं। मैंने ऐसी औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी सामने। जिन औरतों को मैं देखता हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी भारत माता के गले में सोने के गहने नहीं हैं, उसके गले में दास्ता की बेड़ियाँ हैं। उसके गले में दास्ता की बेड़ियाँ हैं, आयोडीन की कमी से उसके गले में घेंघा है, उसके गले पर हिंसा की खरोचे हैं। मेरी भारत माता के बच्चे उपवास और रोज़ा नहीं रखते हैं। मेरी भारत माता के बच्चे उपवास और रोज़ा नहीं रखते हैं। मेरी भारत माता के बच्चे रोज़ भूखे ही सोते हैं। मेरी भारत माता शस्त्र श्यामला नहीं है। मेरी भारत माता शस्त्र श्यामला नहीं है। मेरी भारत माता के पति ने अपने सूखे खेत में फांसी लगा ली है। मेरी भारत माता शस्त्र श्यामला नहीं है। मेरी भारत माता के पति ने अपने सूखे खेत में फांसी लगा ली है। मेरी भारत माता के लाखों धनी सेवक और भक्त नहीं है। मेरी भारत माता के लाखों अमीर सेवक और भक्त नहीं है। मेरी माता अमीर के घर पर सेवक है। मेरी भारत माता अमीर के घर पर सेवक है। मेरी भारत माता के पीछे आभा मंडल नहीं है। वो फोटो में पीछे एक औरा है गोल गोल, उसको हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। मेरी भारत माता के पीछे आभा मंडल नहीं है। मेरी भारत माता के पीछे दौड़ती दंगाइयों की भीड़। मेरी भारत माता के पीछे आभा मंडल नहीं है। हमने हरियाणा में देखा अभी क्या हुआ। मेरी भारत माता के पीछे दौड़ती दंगाइयों की भीड़ है। मेरी भारत माता के हाथ में तलवार नहीं है। मेरी भारत माता के हाथ में तलवार नहीं है। मेरी भारत माता के हाथ में खुरपी है, कुदाल है। मेरी भारत माता के हाथ में खुरपी है, कुदाल है। मेरी भारत माता शेर पर सवारी नहीं करती। मेरी भारत माता शेर पर सवारी नहीं करती है। वो रोज़ 10 किलोमीटर चलकर पानी भरने जाती है। मेरी भारत माता शेर पर सवारी नहीं करती है। वो रोज़ 10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने जाती है। मेरी भारत माता के सिर पर सोने का मुकुट नहीं। मेरी भारत माता के सिर पर सोने का मुकुट नहीं है। मेरी भारत माता के सिर पर मैला ढोने की टोकरी है। मेरी भारत माता के सिर पर सोने का मुकुट नहीं है। मेरी भारत माता के सिर पर मैला ढोने की टोकरी है। आपको पता है आपकी और मेरी भारत माता में, आप में और मुझ में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मेरी भारत माता को मैंने देखा है हर रोज़ हर जगह कहीं ना कहीं, और आप न मेरी भारत माता को देख पाते हैं ना आप। बहुत खूब, यही कटु सत्य है। ये आयरनी है कि हम लोग जो अपना डेफिनेशन बना लेते हैं नेशनलिज्म का, खैर नेशनलिज्म तो बहुत बड़ा फार्स है उसका तो, पर मैं मयंक को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही शब्द सतमें शब्द में क्या ही बोलूँ कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही दिल को छूने वाली और सच्चाई और हकीकत से सराबोर ये कविता है। और मैं चाहता हूँ कि इस कविता को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और समझें और अपनी भारत माता के साथ इसको की कसौटी पे इसको परखें कि
हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं,